हाय गाइस, माय नेम इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं आप ही की प्रॉब्लम के बारे में। तो कुछ बच्चों ने कमेंट करा था कि दी, मैं क्लास 10th में हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे किस रास्ते चलना है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, बट दिक्कत ये आ रही है कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली आज की वीडियो मैंने कुछ प्लान्ड नहीं करी कि हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो स्पेसिफिकली क्लास 10th को थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखो यार, जब आप अभी क्लास 10th में आए हो, इससे पहले जो आपका सिलेबस था 9th में, बेसिकली आपका जो सिलेबस एकदम से चेंज हो जाता है, तो अब जो 10th है, एक बात तो दिमाग में डाल लो, 9th से काफ़ी ज़्यादा इजी है। जो आपने 9th में फिजिक्स शायद आपको टफ भी लग रही हो, मोशन है, वर्क एनर्जी, फिजिक्स भी 10th की एज कम्पेयर टू ईजी है, साइंस ईजी है, मैथ्स ईजी है। तो आप ये मान सकते हो कि आप जो पिछला पढ़ के आए हो वो 10th के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत टफ था, तो ये 10th आपकी काफ़ी इजी होने वाली है। और यार, इससे पीछे जो भी आपकी माइंड की कंडीशनिंग रही थी, काफ़ी सारे लोगों के आसपास, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो लोग हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि यार आजकल ना पढ़ा नहीं जाता, या फिर आजकल के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर मेरा मन नहीं लगता, या फिर यार मैं तो कभी अच्छे नंबर लेकर ही नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये हम खुद अपने दिमाग को कंडीशन करते हैं कि यार मेरा मन नहीं करता पढ़ने को, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप देखो, पीछे चले जाओ 10-15 साल पहले, जब आप छोटे थे, एकदम छोटे, आपको नहीं पता होता था कि ठीक है, आपके दिमाग में एक लेबल लगा दिया जाता है कि यार यू एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, यू आर टॉपर स्टूडेंट, यू आर लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो पहली बात तो ये लेबल हटा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतने नीचे वाले लेवल पे वो ठप्पा लग चुका होता है कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, इसलिए मेरा ध्यान नहीं लगता, या फिर मेरा मन इसलिए नहीं लगता बिकॉज मैं उस टॉपर जैसा नहीं हूँ, मेरे उसके जैसे नंबर नहीं आते, मैं तो शुरू से ही वीक था, मेरी मम्मी भी बोलती थी मैं तो वीक हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई में वीक है। तो ये सब चीज़ें पहली बात दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, और आप वही बनने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी फंडा अपने दिमाग में डाल लो कि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा पावर है, तो जितना भी आपका जो बिलीव सिस्टम है, आप जो बिलीव करते हैं, वो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, पर्सनल लेवल पे, आपके सोचने पे, आपके थॉट्स पे, आपके एक्शंस पे। ओके, डैट इज़ अ वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दी, मुझे सिलेबस पता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है मुझे कैसे करना है, फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रही, या मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मुझे पता है मुझे आगे चल के कुछ करना है। तो पहली बात तो देखो, अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अभी भी जो है पढ़ना ढंग से नहीं शुरू करा होगा, ठीक है। काफ़ी होंगे जिन्होंने सीरियसली शुरू कर दिया होगा, बट काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं करा होगा, इट्स ओके, ठीक है। अभी आपका जून चल रहा है, समर वेकेशन चल रही हैं, आप इसको इंजॉय करो, ठीक है, नई चीज़ें ट्राई करो, ट्रिप्स जाएंगे आपके स्कूल में, ठीक है, टैलेंट हंट्स होंगे, उन सब में पार्टिसिपेट करना। पहली बार किसी भी चीज़ को ना नहीं करते, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट एज वेल जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी होते हैं ना, तब भी आपको ना नहीं करना, स्टडीज़ मैटर, बट एक लिमिट तक, उसके बाद आपको टैलेंट हंट, आपको ट्रिप्स, अपने फ्रेंड्स के पास बॉन्डिंग, सोशलाइज भी होना चाहिए। एक बार सब चीज़ें ज़रूर करो, ठीक है। जब सितंबर का टाइम आ जाएगा, जब आपके मिड टर्म 1 शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जब आपके हाउस टर्मिनल शुरू हो जाएंगे, तब आप मना कर सकते हैं, तब आपके पास रीज़न होगा, अभी जो है आपको इंजॉय भी करना है। दूसरा आता है, एक हवा नहीं बनाना कि यार ये बोर्ड की क्लास है, तो जो बच्चे CBSE से हैं उनका तो भाई ये फर्स्ट टाइम बोर्ड होने वाला है, जो स्टेट बोर्ड है उनके लिए तो चलो दूसरी बार शायद होगा, बट ऐसा हवा मत बनाओ यार ये बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तो उससे क्या आपको स्ट्रेस होगा कि यार बोर्ड की क्लास है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, वो तो मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उसके मुताबिक कोई बच्चा टक्कर नहीं कर सकता। अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, हर चीज़ को मेंटेन करके रख रहा है, अप टू द पॉइंट चल रहा है, टीचर के साथ अलाइंड चल रहा है, यू आर गोइंग ऑन द बेस्ट पाथ, ठीक है, तुम बड़े आराम से चीज़ें कर लोगे। लेकिन जो बच्चे अभी सीरियस नहीं भी हो, तो अपने आप को यार सेल्फ क्रिटिसाइज मत करा करो, नेगेटिविटी में, मतलब हम सारा दिन अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यार मेरे से होता ही नहीं, यार मेरे से होता ही नहीं, मैं क्यों नहीं कर पाता, मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है, तो ये सब बातें नहीं करनी, ठीक है। चाहे आपको दिख रहा नहीं हो रहा, बट ठीक है, स्टिल आप बोलो मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, ठीक है ना, मैंने कर लेना ये, मैंने बड़े आराम से कर लेना सिलेबस, ठीक है, तो ऐसे बोलना है आपको, डैट इज़ सेकेंड थिंग। अब बात कर लेते हैं
कि हमको अब करना कैसे, वो तो आपको पता है, चलो पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल भी बड़ा सिंपल सा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देती हूँ। तो जो बच्चे अभी, जिनकी कुछ बच्चों ने लिखा था कि उनकी हॉलीडेज वेकेशन ख़त्म हो चुकी है, तो जिनकी वेकेशन ख़त्म हो चुकी है तो वो लोग तो स्कूल जाएंगे, 2 बजे तक घर आएंगे, ठीक है। सुबह का तो आपका एकदम टाइट शेड्यूल होता है, घर आओगे 1 घंटा रेस्ट लोगे, ठीक है, जैसी जैसी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम लगा लेना, रेस्ट लो 1 घंटा और उसके बाद बैक टू स्टडी टेबल आ जाओ। ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन जाओ, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के भी बहुत बढ़िया स्टडी हो जाती है। अगर ट्यूशन जाते भी हो तो उसके साथ भी जो है आपको पढ़ना खुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि दी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो हम कोचिंग नहीं लगा सकते, तो यार कोई बात नहीं, मैंने खुद कोचिंग नहीं ली थी, मैंने आज तक, ठीक है, टिल माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, ओके, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कभी नहीं, नेवर, ओके। तो आप उसके बिना भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये सब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आपका दिमाग सही ट्रैक पे चल रहा है, तो आप एकदम अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आई स्कोर्ड प्रिटी मच गुड मार्क्स, ठीक है, 10th में आई गॉट 8.4 CGPA, 11th में आई गॉट 95, 12th में आई गॉट 90 अबव, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो दिमाग में वो निकाल दो यार, जो लोग कोचिंग जाते हैं, जो लोग ट्यूशन जाते हैं वही कर सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत ही हेल्प जरूर मिल जाती है। ऑब्वियसली जब आप कोचिंग जाते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन में लेकर आया जाता है, आपको पता होता है, चाहे आपका अंदर से पढ़ने का मन करे चाहे ना करे, लेकिन आपको जब कोचिंग में जाना है तो जो टीचर ने आपको दिया है, जो उन्होंने पढ़ाया, उसका अगले दिन टेस्ट होना ही होना है, उसका वीकली रिविजन भी होना है, उस चीज़ को वापस से पढ़ाया जाएगा, तो वो आपको डिसिप्लिन में ज़रूर हेल्प करती है। बट अगर दूसरी तरह आप खुद को, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। और डिसिप्लिन रहना सिर्फ कोचिंग में ही नहीं रहना होता, जो बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं, उसके अलावा अगर आप घर में भी छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसिप्लिन ले आओगे ना, तो आप देखोगे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। अभी हमको क्या है, पढ़ना मुश्किल लगता है, स्टडी टेबल पे बैठना, बुक्स को खोलना, स्टार्ट करने का जो पॉइंट होता है वही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, कि भाई शुरू किस तरह से करें, कैसे शुरू करा जाए। तो देखो यार, शुरू करना मुश्किल है, आई टोटली अग्री, बट एक बार आपने शुरू कर दिया ना, आपने एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़ा, तो आप में मोटिवेशन भी आ जाएगी। तो कभी ये मत सोचा करो कि या पहले मोटिवेशन आ जाए, पहले वो फील नहीं आ रही, अंदर से आग नहीं आ रही, जब आग आएगी तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये मत सोचो, ठीक है, क्योंकि आग तभी अंदर से आएगी जब तुम पढ़ने बैठोगे। और ये सबके साथ होता है, ठीक है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स का, मैंने जितने भी लोगों से बात करी है ना, सेम, जब तक आप फ्लो में नहीं जाते, एक स्टेट में नहीं जाते, तब तक आपको अंदर से मोटिवेशन कुछ भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग का टाइम मुश्किल होता है, जब आप शुरू करते हो, जो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अपने आप को टिका के कंसंट्रेट करना टफ होता है, बट एक बार आप बैठ गए तो फिर आप निकल गए, और ये चीज़ आपको डेली करनी है। और अब आप जैसे कि स्कूल भी जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, तो आपके पास हार्डली पूरे दिन में 2 से 3 घंटे ही बचते हैं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलता है, उसमें आपको होमवर्क भी करना रहता है, ठीक है, होमवर्क वाला टाइम भी चलो निकाल दो। कुछ बच्चे जैसे सुबह ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, तो वो तभी रीडिंग वाला पार्ट वहीं पे फिनिश कर लेते हैं। बचा कुचा जैसे कि आपका रहता है रिटर्न होमवर्क, तो आप रिसेस वगैरह में भी कर सकते हो, अगर आपको टाइम मिलता है, कोई भी बंदिश नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, भाई हमको इंजॉय करना है, ठीक है, बिकॉज टाइम आपका साथ साथ में निकल रहा है। एक बार क्लास 10th निकल गई, क्लास 9th निकल गई, अब आप क्लास 9th में वापस नहीं जा सकते, इसी तरह से क्लास 10th भी एक बार निकल जाएगी। तो ये जो आपका बचपन का ये टाइम है, ये भी आपको इंजॉय करना है, बट सही तरीके से करना है। तो आपके पास कुछ लगभग 1.5 आवर या 1 घंटा बचता है सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें जो आपकी टीचर आपको रोज पढ़ा रही है ना, आपको आगे भागने की भी ज़रूरत नहीं है अपने टीचर से, ठीक है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको आगे भागने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप अपने टीचर के साथ साथ ही चल लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, घर आके बस एक बार हर नोटबुक में खोल के पढ़ लिया करो, अच्छा ये आज मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तो इसको जस्ट रिवाइज कर लो और पेंसिल से हाईलाइट कर लो, कि अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अच्छा यहाँ पर टीचर ने कौन सी एग्जाम्पल दे के इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता लग गई होगी कि हाँ, मेरे को SST ईजी लगती है या मुझे साइंस ईजी लगती है, मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है,
तो देखो मैच की अगर हम बात करें तो मैच में सबको ही दिक्कत होती है, तो मैच को डेली करना ही करना है, मैच को बिल्कुल भी पीछे मत छोड़ना, उसके साथ डेली इन टच रहो। साइंस या SST के लिए आप अल्टरनेटिव डेज रख सकते हैं, एक दिन पढ़ लिया, एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन पढ़ लिया, एक दिन छोड़ दिया। और जिन बच्चों को यार स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे साथ साइंस पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेने वाली हूँ कल से, ठीक है? संडे को हम स्टार्ट करेंगे 6 PM पे, अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होगी, संडे को लगेगी, देन जो नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे को लगेगी, उसके जो नेक्स्ट क्लास है वो थर्सडे को लगेगी। साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, बड़े आराम से करेंगे, ठीक है? भागेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करेंगे और यार अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। तो जिसको दिक्कत हो रही है बैठने में, कंसंट्रेट करने में, तो 1 घंटे का सेशन होने वाला है, ठीक है? किसी भी क्लास के हो चाहे, ठीक है? अगर आप क्लास 10th के नहीं भी हो, कोई अगर ऐसा बच्चा है तब भी आप आना उस क्लास में, ठीक है? आप उस क्लास को ऑन कर लेना, चाहे आप अपना साइड में कुछ भी पढ़ते रहना, आपको एक फील आएगी कि हाँ कोई पढ़ा रहा है, तो आपका एक माइंड लग जाता है साथ में, ओके? बाकी जो क्लास 10th वाले हैं, हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका दिमाग बैठेगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और बड़े आराम आराम से रिकॉल करेंगे, 15 मिनट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे, आपसे मैं इंटरेक्ट करूँगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बढ़िया तरीके से करेंगे। लिंक जो है मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लॉगिन कर लेना, वहाँ पे इनरोल कर लेना क्लास के लिए, ओके? आपके भले के लिए ही है, ठीक है? अगर दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आना। और यहाँ पर जो मैं आपको क्या बता रही थी कि बस मैथ्स के साथ थोड़ा जो है डेली आपको करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स आप अल्टरनेटिव डेज पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई बस क्लास में अटेंटिव रहो। अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, आप डिसिप्लिन में हो, आपको पता है कि यार मुझे करना है तो करना है, मतलब आप डेली भी जो आप, अगर आपने डेली का 1.5 सेशन रखा है स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप उसको डेली नहीं मिस कर रहे घर आकर, दैट मीन्स यू आर डिसिप्लिनड। क्लास अटेंटिव, डिसिप्लिन, एंड थर्ड वन इज कि बस यार करना है तो करना है, इंजॉय करना है लाइफ को, दोनों तरफ बेस्ट करना है, ओवरऑल आपको अच्छा करना है। एंड आई होप कि आज की बातें आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प करेंगी एंड इट विल एड सम वैल्यू टू योर लाइफ कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। तो निराश मत हुआ करो कि मेरे से हो नहीं रहा, या फिर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, या मैं कैसे शुरू करूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है? दिक्कत सबको आती है, स्टार्टिंग में तो सबको ही दिक्कत आती है, कुछ भी काम शुरू करना हो, बस शुरुआत करने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ती है, जो वो पहला कदम होता है वो ही टफ होता है, बाकी आप आराम से कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर स्टडीज़, धीरे धीरे मैं भी रेगुलर होने की कोशिश करूँगी, ओके? And okay, bye.